आप सब आई होप आप सब अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं जा रही हूँ इतना रेडी शेडी होकर मंदिर मम्मी के साथ, बिकॉज मैं काफी टाइम से बोली थी मुझे मंदिर जाना हो। कौन से मंदिर जा रही हूँ आपको वहाँ पे दिखा दूंगी मंदिर, वैसे आप लोगों को पता चल जाएगा जो नेपाल में रहते हैं, और जो नहीं रहते उन लोग को भी बता दूंगी मैं कौन से मंदिर आई हूँ। तो और ये लुक में मैं कैसी लग रही हूँ बताना है, मुझे दीदी गिफ्ट किया था ये कुर्ता। तो चलो आपको मिलती हूँ डायरेक्ट मंदिर में, काफी लेट हो रही हूँ, मम्मी नीचे गुस्सा कर रही है, तो आपको मिलती हूँ डायरेक्ट मंदिर में। तब तक के लिए बाय बाय। तो ये गाइस फाइनली मैं पहुंच गई मंदिर, मुझे पता नहीं कितना टाइम लगा, मैंने टाइम भी नोट नहीं किया, और फर्स्ट टाइम आई थी इतनी दूर मैं, वो भी स्कूटी लेकर। इसीलिए मैं मंदिर आई थी क्योंकि मुझे लाइसेंस मिला था, तो मैंने बोला था सबसे पहले मुझे लाइसेंस मिलेगा तो मैं मंदिर आऊँगी मम्मी के साथ, तो वही आई थी मैं दर्शन करने के लिए। तो हमने जहाँ पे स्कूटी पार्क किया था उसके सामने शॉप था, तो आंटी टोकरी मतलब लेकर खड़े थे, तो हमने वो पूजा का टोकरी लिया जिसमें आपको पूजा का सारा सामान आपको मिल जाएगा। तो वो टोकरी हमें पड़ा था 350, हमने बार्गिंग नहीं की, उन्होंने 350 बोला तो हमने 350 दे दिया। देन उसके बाद हम चल दिए मंदिर की तरफ। तो यह गाइस मैं आई हूँ बिंदावासिनी मंदिर मम्मी के साथ। तो ये जो मंदिर का बैक साइड है, फ्रंट साइड से मैं नहीं आया, फ्रंट साइड से भी आ सकते हो, बैक साइड से भी आ सकते हो। देन उसके बाद मम्मी और मैं चल दिए मंदिर की तरफ ऊपर। तो यहाँ पे मैंने अपने स्लीपर्स रखे अंदर, स्लीपर्स रखने के बाद मम्मी ने यहाँ पे हैंड वॉश किए अपने, देन उसके बाद मैंने भी अपने हैंड वॉश किए, देन उसके बाद हम निकल गए मंदिर की तरफ ऊपर। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक शादी भी हो रही थी, तो मैंने थोड़ा सा क्लिप कैप्चर भी कर लिया। देन उसके बाद इस बर्ड्स ने तो मेरे व्लॉग पे चार चांद लगा दिया और कितने सुंदर लग रहे थे। तो या गाइस तो फिर मम्मी में और निकल के मंदिर की तरफ, तो मम्मी ने बोला कि पहले हम गणेश जी की पूजा करेंगे देन उसके बाद माता रानी की, ठीक है। तो जैसे कि आप ये देख सकते हो ये वाला मंदिर, यहीं पे हम पूजा करने आएंगे। तो यहाँ पे ना मुझे आपसे आप बोल सकते हो कि 100 में 90% तो यहाँ पे अभी इस टाइम पे टूरिस्ट ही थे, तो क्योंकि सुबह नेपाली वगैरह सुबह ही आकर पूजा कर लेते हैं तो इस टाइम पर टूरिस्ट ही आते हैं। तो तो ऐसा हमारी पूजा हो गया जैसे आप देख सकते हो। तो अभी हम जाएंगे शिव मंदिर में सब पूजा कर लो, अभी आपको शिव मंदिर दिखा दो अगर कैमरा अलाउ हुआ तो। पूजा अच्छे से हो गई मेरी और मम्मी की। ओम देवी प्रपन्ना हरे प्रसिद्ध
ओम अग्रहते नमः काय कुडी श्री समाप्रभा हरि नाम गुरुमी दीवासरगारि सुरवरा हरि नाम गुरुमी दीवासरगारि सुरवरा ईश्वर भगवान लाइन तो भाई दिन ओम आप हम मार्गर मा हम मार्ग मा भाव संबोधा मम्मी कस्तो लायो त नि दर्शन गरेर राम्रो लायो राम्रो लायो धेरै धेरै राम्रो लायो मेरो छोरीले स्कुटरमा ल्याएको राम्रो चलाए अँ राम्रो चलायो तो यहाँ गाइस हम लोग के दर्शन भी हो गए अच्छे से हमने पूजा कर ली है अभी थोड़ी देर बैठेंगे यहाँ पे थोड़ा फोटो वगैरह क्लिक करेंगे देन उसके बाद हम निकलेंगे कुछ खाया नहीं है सुबह से कुछ खाएंगे देखते हैं कहाँ पे कुछ खाना है कुछ अच्छा लगे तो खाएंगे नहीं तो घर जाकर खाएंगे सीधा अगर कहीं गई तो आप लोगों को साथ लेकर चलूँगा तो काफ़ी टाइम का दिक्कत नहीं है और यहाँ का व्यू आप देख सकते काफ़ी सुंदर तो ये कुछ फोटो क्लिक की थी मेरी मम्मी ने फोटो क्लिक की थी तो काफ़ी सुंदर आई है ये मेरी मम्मी रहता है आप लोगों के साथ मैंने थोड़ी सी अपनी पिक्चर शेयर की देन उसके बाद हम निकल के घर के लिए मंदिर के नीचे का सीन है जहाँ पे पूरा आपको मतलब शॉप मिल जाएगा आप गिफ्ट वगैरह भी ले सकते हो देन उसके बाद हम पहुँच गए रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए काफ़ी मतलब भूख लग रही थी और मम्मी और मैं थक भी गए थे सबसे पहले तो हमने चिल्ड वाटर बोला एक बोतल लाने के लिए तो मम्मी ने मैंने पहले पानी पिया देन उसके बाद खाया उसके बाद एक प्लेट खाने के बाद फिर दूसरी बार फिर ऑर्डर किया तो मम्मी बोलते एक प्लेट और मोमोस और फ्राई आलू टाइप का कुछ था वो ऑर्डर किया और एक दो आइटम और था वो ऑर्डर किया देन उसके बाद हमने अच्छे से खाया क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं हुआ था हम ऐसे निकले थे देन उसके बाद हम खाने के बाद हम निकल के घर के लिए या गाइस दैट्स इट फॉर टुडे व्लॉग ये छोटा सा व्लॉग था आई होप आप सबको पसंद आया होगा अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग